नगर परिषद ने सुभाष चौक पर सीज की दो दुकानें अतिक्रमण भी हटाया। चूरू शहर के सफेद घंटाघर से सुभाष चौक रोड पर नगर परिषद ने मंगलवार एक अतिक्रमण और दो दुकानों को सीज किया है। इस दौरान टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली सीआई सतीश यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि सफेद घंटाघर से सुभाष चौक के बीच दो दुकानों को नगर परिषद की बिना परमिशन के निर्माण करवाया गया था। इस पर नगर परिषद ने दुकानों को नोटिस किया था, लेकिन इसके बाद भी कोई जवाब नहीं देने पर मंगलवार दोपहर नगर परिषद की टीम ने दोनों दुकानों को सीज कर दिया। दुकानदार सुभाष सोनी ने कहा कि उसकी दुकान को गलत तरीके से सीज किया गया है। नोटिस केवल निरंजन सोनी की दुकान को सीज करने के था। उनको इस संबंध में किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया। जबकि आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि जिस समय नगर परिषद की टीम नोटिस देने गई थी, उस समय यह बात बतानी चाहिए। नगर परिषद से व्यापारिक निर्माण की परमिशन के बिना दुकान बनाई गई थी, इसलिए सीज की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा एक अतिक्रमण को भी हटाया गया।